ईश्वर को साक्षी मानते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के ऐतिहासिक प्रोग्राम में। और आज का दिन हम सभी के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह 100% सत्य है कि आज के दिन बहुत सारे लोग जिंदगी बदलने का डिसीजन लेने वाले हैं। मैं 9 साल से इस बिजनेस में हूं और ये जितने लोग मंच पे आप आए या जिन आज जो हमारा आज चीफ गेस्ट हैं, जो जिनका आज का दिन है, ये दिन आज उनका है, उनके दिन उनके नाम पे आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इवन वो भी आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो मेरे आंखों के सामने मैं इस बिजनेस में आया था और मैंने उनको स्टेप बाय स्टेप तरक्की करते हुए देखा है। एक दिन वो भी ऐसे ही एक दिन आके बैठे हुए थे, अपरिचित थे, कोई जानता नहीं था, सीट का पता नहीं, लाइन लगा के बहुत सारे सिचुएशन के झेलते हुए वो यहाँ तक आए थे। और उनको मैं उस दिन से जानता हूँ और धीरे 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 आज जो है हमारे बीच में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं, जिनको हम कुछ देर बाद भी देखने वाले हैं। और वो देखते हुए बहुत सारे लोग अपने जीवन में डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हम सभी लोग समाज के हिस्से हैं, समाज के हम सभी हिस्से हैं। यहाँ पे कोई एक आदमी अगर बहुत हैप्पी होता है तो 10 को हैप्पी अपने आप कर देता है। हाँ जी, अगर कोई आदमी बहुत दुखी है तो 2-4-10 को दुखी जरूर कर देगा। हमारे बीच में जब कोई एक कामयाब इंसान बसता है, खासकर हम लोगों के बैकग्राउंड से, हमारे प्रोफाइल से, हमारे परिवार से, हमारे शहर से, जब एक कोई आदमी नीचे से ऊपर जाता है तो बिल्कुल ये एहसास होने लगता है, बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। हमारी भी उम्मीदें जग जाती हैं कि अगर ये बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो हम सभी लोग समाज के ऐसे हैं, हमको ही देख के समाज चलता है। एक आदमी सफल होता है, सैकड़ों लोग वह देख के सफल होना चाहते हैं। जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं, डॉक्टर से प्रेरणा लेते हैं, जितने भी इंजीनियर स्टाफ वर्क से, इंजीनियर से प्रेरणा लेते हैं, हेलो, और जितने भी डायमंड्स बनते हैं, जितने भी बिजनेसमैन बनते हैं, वो अपने टॉप हर क्षेत्र के मेंटर होते हैं। जो सफल होते हैं उन सफल को देख के प्रेरणा लेते हैं। तो आज हमारे बीच में वो एक बहुत ही महान सक्सेस जो इस मुकाम तक पहुंचे, तो उन्हें देखकर भी बहुत सारे लोग डिसीजन लेने वाले हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा सबका दायित्व बन जाता है कि जब हमको ही देख के समाज में ऊपर भी लोग होते हैं और हमको ही देख के लोग नीचे भी होते हैं, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि समाज में वही काम करें जो समाज के लिए अच्छा हो। हाँ जी, क्योंकि 9.5 साल पहले मेरी जो बैकग्राउंड थी, मैं बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे परिवार से बिलोंग करता हूं, जिसके पास घर नहीं, जिसके पास जमीन नहीं, जिसके पास शिक्षा नहीं, जिसके पास पिताजी नहीं, माँ थी बिल्कुल मजदूरी करती थी, 4 भाई थे, 4 बहन थे, कोई उम्मीद नहीं था, कोई योजनाएं नहीं थी जो ऐसे परिवार को उठा के और किसी अच्छे प्रोफाइल तक पहुंचा सके। मतलब एक तरह मानिए कि मैं समाज के हिस्से की बात कर, तो मैं समाज के लिए कलंक था कि हम जैसे परिवार को कोई देख के थोड़ा अगर खुश भी होता था तो उसके अंदर थोड़ा सा दया आ जाता था, वाह कितना गरीब है। तो ये हम समाज में काम करते थे, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद उस गरीबी के जंजीर को हमने तोड़ा जो पिछले पीढ़ियों से चली आ रही थी, क्योंकि हमने अपने बाबा जी को गरीबी में जीते हुए देखा है, हम अपने बाबा जी के पिताजी को भी गरीबी में जीते हुए देखा है, अपने पिताजी को हमने गरीबी में जीते हुए देखा है। इतने हमने पीढ़ियों को, तो जितना एज है उस हिसाब से हमने गरीबी में जीते हुए देखा है। न कभी उनका शुद्ध भोजन मिला, न कभी वस्त्र मिला, न कभी मकान मिला, न कभी लग्जरी मिली, न कोई सर्विस मिली, न कोई सपना, न कोई शिक्षा, कुछ नहीं था, बस जी रहे थे। क्यों? क्योंकि जीने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। हेलो, आपको कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, आपको तो मैं जी रहा हूं, मैं बोला हूं मत जिए, देखिए तभी जीते हैं आप, वह स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है। हेलो, हाँ मरने के लिए कुछ करना पड़ता है। हेलो, मरने के लिए अड़ंगा लगाना पड़ता है साला। जीने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस जी ही रहे हैं। नदी बहने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? नदी बह रही है, उसे कौन बह रहा, कौन हवा मार रहा, कौन उसको धक्का मार रहा है, बस बह रही है, एक स्वभाव है उसका, हम भी जी रहे हैं। तो हम भी बस जी रहे थे, कुछ था नहीं लाइफ में। ये बिजनेस आ गया, कहाँ से आया? प्रभु की कृपा ही होती है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ हो रहा उनके वजह से हो रहा है, जो भी कुछ होगा उनके वजह से होगा।
तो मेरे साथ उनकी कृपा हो, बधाई हो, ऊपर वालों को धन्यवाद, आप भी दीजिए, अंतरात्मा से आपके भी कृपा उनकी हो चुकी आज। और सच तो है कि उनकी डेली कृपा ही कृपा चल रही है, पल पल उन्हीं कृपा चल रही है, कहीं थोड़ा कृपा चूके तो गए हम काम से। हेलो, अभी तो महान कृपा हो गई है, कुछ जीवन बदल सकते हैं, तो मेरे पूर्व कुछ महान कृपा हो गई उनकी, और वो महान कृपा को हम शायद पहचान लिए उन्हीं कृपा से। हेलो, और लग गए इस बिजनेस में, और लगने के बाद काम करना स्टार्ट किए, तो जो भी एक मनुष्य अपने सुबह से शाम तक या अपने जीवन में जो चाहता है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, इसके लिए तो नहीं जीता है। हेलो, लेकिन जीवन में सारी चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, बिना पैसे क्या हो सकता है? कुछ नहीं, कपड़े नहीं आएंगे, खाने नहीं आएंगे, पानी नहीं आएंगे, इवन आज के ज़माने में बाथरूम भी नहीं होता है। हेलो, 2 रुपया मांगता है, तो बिना पैसे तो कुछ नहीं होता आज के। जो फ्री आप कास्ट है वो भी एक हमारे लिए घर चाहिए, बोलिए, प्राकृतिक आपदा से, हालांकि उससे बच नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी गर्मी से थोड़ा बचने के लिए घर चाहिए, चिड़िया भी तो बनाती है अपना घर, तो हमको भी बनना चाहिए, घर होना चाहिए, कहीं आने जाने के संसाधन होने चाहिए, तो एक गाड़ी होनी चाहिए, तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें तो बेसिक नीड है, हमें होना ही चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास कुछ नहीं था, और ये बिजनेस ने हमको ये बेसिक नीड नहीं, जैसे बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान नहीं दिया, पूरा जिंदगी ही बदल दिया, पूरी लग्जरी लाइफ कर दिया, नाम के आगे करोड़पति लगा दिया। हेलो, और प्रभु कृपा से गरीबी ऐसे भागी, कभी गरीबी एहसास भी नहीं होता कि हम गरीब भी थे, अभी विजुलाइजेशन करता हूं तो आता भी नहीं है वो, हालांकि करना नहीं चाहिए लेकिन वो आता ही नहीं है, क्योंकि फाइल उड़ गई है, तो पूरी तरह से अच्छा जीवन हो गया। और अच्छा जीवन हो गया तो वही मैंने कहा कि जब हमें कामयाब होते तो हमको देख के लोग भी कामयाब होते हैं, तो मैं कामयाब हुआ, और इस तरह से बिजनेस का नेचर है, अपलाइन हमारे साथ देते हैं, जो भी कुछ हम चलते हैं वो अपलाइन के वजह से चलते हैं, जो भी कुछ है अपने सेब साफ के वजह से हैं, सेब साफ को हम ऐसे कहते हैं कि हमारा सेब साफ में पुनर्जन्म हुआ है, मैं ऐसे बोलता हूँ। जैसे गौतम बुद्ध भगवान थे, उनका एक शिष्य था, तो उनके शिष्य से किसी ने पूछा, हाँ भाई तुम्हारा उम्र कितना, तो उसने कहा 2 साल, जबकि था 45 साल का। बोला यार कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो, कहा नहीं नहीं मैं 2 साल, क्योंकि 43 साल पहले मेरा कोई जीवन नहीं था, 2 साल तो मैंने जीवन जीना सीखा है, तो जब से हमारे जीवन में ये खुशियाँ हैं वही जीवन है, क्योंकि जीवन शब्द, जीवन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा उत्सव है, और उत्सव अगर जीवन में नहीं है तो जीवन कहना भी जीवन का शब्द का अपमान है। हाँ जी, तो उत्सव चाहिए, तो उस व्यक्ति का 43 साल कोई उत्सव ही नहीं था, इसलिए जीवन कहा ही नहीं, कब पता चला वो जीवन नहीं था, जब 2 साल जिया मौत से तब कहा तो कोई जीवन ही नहीं है, 2 साल बाद उसे एहसास हुआ। तो दोस्तों हम सेब साहब से पहले जब मिला, अब मिलाते हैं कि हमारा जीवन, तो सेब साहब पहले 9 साल पहले जब अपने जीवन को देखते हैं, अपने परिवार को, अपने माँ बच्चे को, माँ को देखते हैं, अपने बहनों को मैं देखता हूँ कि हम लोग कैसे रहते, हमारा तो कोई जीवन ही नहीं था, तो पिछले 9 साल से हमारा जो है पुनर्जन्म हुआ है, और पुनर्जन्म हमारी जो माता है वो सेब साहब है, जो भी कुछ है मैं इनके बदलो थे। ये मेरे लिए सब कुछ है, ये ईश्वर की इबादत है मेरे लिए कि उन्हीं की तरफ से मिला है, नहीं तो कोई सोच नहीं सकता था लोग कहाँ जाएंगे। और यही कृपा आज हमारी टीम पर भी, सेब साहब की हमारे अप्लाई ने कृपा पड़ी, और धीरे धीरे करके दोस्तों मैं इस उस गरीबी से, नीचे से, कंकड़ पत्थर से इस मंच तक आया, आज हमारे टीम में 21 डायमंड लगभग में बन चुके हैं दोस्तों, जो उन 21 में कईयों का हो चुका है, उनमें से एक लोग का आज और उसी रिकग्निशन करें, रिकग्निशन डायमंड शिप कंप्लीट कर चुके हैं,
जो एक रिकग्नाइज करते हैं सिस्टम द्वारा, जो उन्हें एक सम्मान हम देते हैं उन्हें कर्मों का, तो वो आज उनमें से एक महान व्यक्तित्व को मिलने वाला है। ऐसे करके हर 2-3 महीने में हम कंटिन्यू 2018 तक करेंगे और बहुत लंबा टारगेट है। और धीरे धीरे देखिए कि मैं अपना जीवन बदलने आया था, मैं कभी कोई कुछ करने, अपने बदलने के चक्कर में दूसरे का अपने आप बदल जाता है। या किसान जब भी बुआई करता है वो अपने लिए बुआई करता है, इतना पैदा हो जाता है कि संसार को खिलाता है। हाँ जी, वैसे बिजनेस है ये। शुरुआत मैंने अपने लिए किया था, लेकिन ये बिजनेस का नेचर ऐसा है कि मेरे तो मुझे तो भरा ही भरा, इतना भरा कि जब छलका तो दूसरों को भी मिल गया। हाँ जी, और ढेर सारे लोग करोड़पति बनते जा रहे हैं। ये जो आपके अभी एमरल्ड दिखाए, टोपाज दिखाई दिए, ये 1 से 1.5 साल के अंदर डायमंड है। ये सारे लोग जो यहाँ पे दिखाई दिए, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। एमरल्ड हैं वो, 1 साल के अंदर डायमंड है, उनको भी दिल से बधाई देना चाहता हूँ। तो इस तरह से जीवन बदल जाता है इस बिजनेस में। तो सेफ साहब तो हमारे लिए सब कुछ है, और इसके अलावा हमने एक बार सोचा, ऐसा सोच रहा था कि सेफ साहब नहीं तो क्या। ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन लेट थी, बहुत टाइम हुआ, मैंने सोचा सेफ साहब बहुत ज़बरदस्त है, कई लोग इस बिजनेस को करते नहीं, आखिर करते क्यों नहीं है, ये नहीं तो फिर क्या। तो मैं लगा सोचने कि ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम बिजनेस करते तो हमारे पास तो पैसा ही नहीं था, 5-6 लाख चाहिए कि नहीं मिनिमम, अनुभव चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरे पास दोनों नहीं था। तो मैंने कहा मैं तो ट्रेडिशनल फेल, गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो बहुत बेस्ट माना जाता, बेस्ट है ही, यस सर, लेकिन मिलता कितने हैं, 2% लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं इस देश में, कितना बोलिए, 2%, और 1.25 करोड़ का 2% कितना हुआ। अब बाकी लोग क्या करेंगे, तो बहुत भारी कंपटीशन है, बेस्ट तो है मगर कंपटीशन बहुत जबरदस्त है, तो वो तो बड़ा मुश्किल से मिलता है। प्राइवेट जॉब में करें तो अगर कोई बहुत बढ़िया प्रोफेशनल है, टॉप CA हैं, टॉप डॉक्टर्स हैं, टॉप इंजीनियर्स हैं, तो अच्छा है, ये भी बहुत बिरले बनते हैं। तो नॉर्मली जो डिग्री ले रहे हैं, खासकर हमारे दोस्त हैं, मैं तो बाहर जानता नहीं, अपने दोस्त ही जानता, मेरे दोस्त हैं कुछ इंजीनियरिंग वगैरह किए हुए हैं, तो उनकी सैलरी में देख के मैं दंग रह जाता हूँ, 15-16 हज़ार, 20 हज़ार में है। तो हमने कहा यहाँ से भी तो कुछ नहीं पूरे होने वाले हैं, पढ़ाई इतने किया, इतना दिमाग चाहिए, इतना पैसा खर्च किए, कोई आमदनी नहीं। तो ये नौकरी में भी देखा, और इस बिजनेस में हमने देखा क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 0 है, क्या है बोलिए, कितना इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना है। अरे यहाँ पे बेस्ट, दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स आ चुके हैं हमारे सेफ साहब में, जोरदार तालियां सेफ साहब के बेस्ट प्रोडक्ट के लिए। ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें जीवन जीने के लिए चाहिए, ऐसा ना हो, जीवन जीने के लिए चाहिए, तो बेस्ट प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और अभी बहुत सारे आने वाले हैं। तो वो प्रोडक्ट्स हम पैसे दे के इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं बाहर से इस्तेमाल ही कर रहे थे, ऐसा ना हो, यहां से इस्तेमाल करें तो इन्वेस्टमेंट 0 है। अब जहां इन्वेस्टमेंट 0 है वहां पे रिस्क कितना होगा बोलिए। अरे जब आप समुद्र में गिरेंगे तब ना डूबेंगे, जब एक बाल्टी पानी में कूदिएगा तो क्या होगा, सर ही फूटेगा, डूबेंगे तो बिल्कुल नहीं। तो रिस्क 0 है, प्रॉफिट साहब अनलिमिटेड है। जितने लोग हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे बहुत सारा बिजनेस होगा, बहुत सारा बिक्री होगा, करोड़ों में बिजनेस होगा, उसमें थोड़ा परसेंट भी आपको मिलेगा तो मालामाल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है, स्कोप साहब, खरीद और बिक्री का काम कब बंद होगा बोलिए साहब, ये सदा से चला रहा है। आज पैसा हो गया, किसी जमाने में हम कुछ देते थे वो कुछ देते थे, हेलो, तो खरीद बिक्री सदा से सदा रहेगा, वो क्या बिक रहा है वो बदल सकता है, मगर खरीद बिक्री कभी बंद। और हम दुनिया के सबसे लेटेस्ट तरीके के व्यापार में हैं, सबसे लेटेस्ट व्यापार में, बिल्कुल लेटेस्ट तरीके के व्यापार में हैं, बिजनेस के, बिक्री करने के, तो बेस्ट बिजनेस में हम, स्कोप अनलिमिटेड है साहब, और खासकर भारत जैसे देश में। दुनिया की सारी कंपनी जब तक भारत में उसका बिजनेस नहीं होता, उसका सपना पूरा नहीं होता, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया में 2 लार्जेस्ट कंट्री चाइना और भारत, जब तक यहां बिजनेस नहीं आएगा उसका टारगेट पूरा नहीं हो सकता है। और हम सौभाग्य की बात, हम सोने के खान में भारत जैसे देश से हमारा जन्म हुआ है, दूसरे लोग यहां बिजनेस कर ले रहे हैं और हम यहां नहीं कर सकते हैं बोलिए।
तो स्कोप अनलिमिटेड है साहब, वर्क फ्रॉम होम घर पे रहते हुए कर सकते हैं, हाजे हाउसवाइफ हैं तो भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो संडे टू संडे कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं तो रोजी रोटी व्यवस्था कोई और है, और साइड में इस बिजनेस की व्यवस्था और कर सकते हैं हाजे, और धीरे धीरे जब बड़ा हो जाए तो इसको बना सकते हैं, तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। एजुकेशन चाहे जितना ज़्यादा पढ़ाए लिखे हो तब भी चलेगा, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तब भी चलेगा, बोलिए। कोई आपकी योग्यता को नहीं आ जांचा जाता, क्योंकि यहां पे आपकी योग्यता का सवाल नहीं है। जब आप ट्रेन में चलते हैं, जब आप मोबाइल से बात करते तो आपकी योग्यता देखी जाती है, मोबाइल से बात होता है कि आपकी योग्यता से बात होता है। जब आप ट्रेन में बैठ के जाते हैं तो आपकी योग्यता से जाते हैं, ट्रेन की योग्यता से जाते हैं, बोलिए। तो हमारे बिजनेस में योग्यता भी नहीं चेक किया जाता, इसलिए किसी से नहीं पूछा जाता है। लोग बोलते सबको प्लान दिखाना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ योग्यता कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सब काम सिस्टम करता है, हाँ जी सिस्टम काम करता, हम तो बस उस सिस्टम से साथ शामिल हो जाते हैं, उस धारा में बह जाते हैं। तो घर पे रहते हो इस बिजनेस को कर सकते हैं, पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर सकते हैं। डुप्लीकेशन पे आधारित बिजनेस है, हम लोग सदा सदियों से वह काम करते आ रहे हैं। कौन सा काम? हम बचपन से थे तो हमें बोलने नहीं आता था, चलने नहीं आता था, खाने नहीं आता था, पीने, आज कुर्सी पे कैसे बैठना है, कपड़ा कैसे पहनना है, बोलना कैसे, टाई कहाँ लगाना है, टाई हम पीछे क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हमने देखा यहाँ लगाया जाता है, बोलिए। अगर इस हाल में आधा लोग कुर्सी पे ऐसे बैठे होते तो आधा इसे बैठ जाते, क्योंकि बोलते कोई प्रयोग चल रहा है, इसे बैठ जाओ। हम सारा काम नकल करके सीखे हैं, सैडो हमारा बिजनेस पूरे नकल पे आधारित है। तो जब नकल पे आधारित है, जो काम हम करते हैं, करते करते हमारी टीम वही काम अपने आप लगती है करने, और करने वाली संख्या इतना ज़्यादा हो जाती है, तो जो काम हम कर रहे थे, एक काम को हम कर रहे हैं, उसी काम को 100 आदमी करने लगेंगे तो हम फ्री हो जाएंगे कि नहीं, बोलिए। तो डुप्लीकेशन की वजह से हम फ्री हो जाते हैं। टैक्स बेनिफिट है आज के ज़माने में, ज़माने की भी बात करें, देश के लिए करना भी चाहिए, तो हमारा बिल्कुल वाइट इनकम भी है, हाँ जी। फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं आप, देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, मदद करना चाहते हैं आप सभी लोग। ये दुनिया में किसी देश में भावना है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, भारतीय के दिल में, भारतीयों के दिल में इतना भाव है, वो भूखो है, फिर पूछो क्या करना चाहते, समाज सेवा करना चाहता हूँ, कूट कूट के दूसरों को मदद करना भरा लो, वो भले मदद नहीं कर पाए लेकिन कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये बिजनेस है दोस्तों, आप दूसरे को मदद कर सकते हैं। मदद ऐसे कर सकते हैं कि कोई आदमी जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी 20,000 है, उसकी 4 लड़कियां हैं, 20,000 में कैसे वो पैसा बचाएगा, कैसे खाएगा जिएगा, तो उसको आप बिजनेस समझाते हैं कि सर कैसे पार्ट टाइम में आप 40,000 और कमा सकते हैं, 50,000 और कमा सकते हैं, 1,00,000 और कमा सकते हैं, समझाते हैं, फिर उनको सिखाते पढ़ाते, उनके साथ मिल के काम करते हैं, और वो 40-50,000 कमाने लगते हैं तो उस 50,000 रुपये से अपनी बेटियों की शादी कर लेते। तो मदद कर सकते नहीं कर सकते बढ़िया ढंग से? तो इतना बढ़िया समाज सेवा हम कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं अपने परिवार में। हमने देखा आपने अपने परिवार का मदद कर सकते हैं। आपने देखा बिजभूषण यादव जी, छोटे भाई उनके महेंद्र सर, बड़े भाई, तो बिजभूषण सर छोटे भाई तो पहले ज्वाइन कर लिए, उन्होंने बिजनेस को किया, डायमंड बन गए। तो जब शुरुआत किए तो अपने भाइयों को बताया, तो हो सकता है इनको कुछ नहीं समझ में आया, और मेरे बड़ा भाई क्या तुम लेके चला उल्टा सीधा काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपना काम करके एक मुकाम हासिल किया। तो हमने कहा आप ही समाज के आईना, घर के आईना, आ जाए आप कामयाब होंगे तो हजारों को कामयाब होने के प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। और वो बने तो उनके भैया ने कहा काम बहुत बढ़िया है, मुझे भी करना चाहिए, और वो करने लगे। तो आज देखिए एमरल्ड बन गए, और ज़्यादा मेहमान नहीं है, मुश्किल से 7 से 8 महीना में उनके भाई भी डायमंड, तो घर में एक डायमंड दूसरा डायमंड, दो दो करोड़पति पैदा हो गए, बोलिए। तो, और एक बात और है, वो जिस एज में इतना बड़ा मुकाम हासिल किए, दोनों आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों आदमी पेंशन रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने के बाद असली उड़ान भरे हैं, और रिटायर होने के बाद उड़ान भरने का दम आया इनके अंदर, जबकि रिटायर होने के बाद आदमी सुस्त होता है, और अभी ऊंची चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बोलिए। और आपने देखा उनकी मैडम को डांस करते हुए, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डांस मैंने लाइफ में नहीं देखा।
धीरेंद्र जी की मैडम हमको लगा ये दोनों सांड तो है ही है, हाथी और हथनी दोनों तो इतना हैवी भी, जैसे हस्बैंड वैसे पत्नी, और मार रही थी अपना डम डम हमने देखा। हमने कहा धीरेंद्र जी मैडम तो वो डांस देखा, माधुरी दीक्षित नहीं मार पाएंगे स्टेप। तो आपने देखा कि आप कोई पद प्रतिष्ठा पाएंगे तो आप ही को मिलता है, अजय यहाँ पे हम करते हैं तो परिवार को मिलता है, बच्चों को मिलता है, बीवी को मिलता है, पूरे सबको मिलता है। आपके आपके काम करने का क्रेडिट, हालांकि आप जो काम करते हैं उस काम करने में परिवार का सबका सहयोग रहता है, तो सबको मिलना चाहिए कि नहीं, लेकिन कोई भी भाग नहीं देता है। और ये ऐसा सिस्टम है कि आप काम करते तो सबका सहयोग है, इसलिए सबको सम्मान मिलता है। इस बिजनेस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, हम चार बहन थे, हम लोग चार बहन थी हमारे पास, चार भाई। इस बिजनेस में अगर हम ना होते, कहीं और काम कर रहे होते, 50,000, 60,000, 1,00,000 कमा रहे होते, तो जाहिर सी बात है जब तक आदमी जब खुद ही नहीं पेट भरेगा तो दूसरों को कहाँ से देगा। ऐसा नहीं कि हम भाई और बहनों को मदद नहीं करना चाहते, सबके अंदर भावनाएँ रहती हैं, लेकिन जब अपना ही नहीं पेट भरा तो दूसरे को कहाँ से दें। तो अपने में नोन तेल लकड़ी में परेशान रहते हम, तो इस बिजनेस में आया, अपना थोड़ा जेब भरा, तो इतना सेब साफ दे रही है और देती आ रही है कि उस सेब साफ के मजे अपने आप भाव आ जाता है, ट्रेनिंग मिलती है, सीनियरों से संस्कार मिल जाते हैं कि परिवार कैसे चलाना है। अपने आप वह भाव है जो बहनों को भाइयों को जितना कमाते हैं वो पूरा दे सकेंगे, जिंदगी भर देते रहेंगे, ये भाव है। थोड़ा भी कपट नहीं अपने अंदर आता है, ये इस बिजनेस के माध्यम से ही हो सकता है। कपट तो तभी नहीं होगा ना जब खाली होगा, जब भरा होगा तभी कपट नहीं होगा। हाँ जी, और जब खाली होगा तो गिलास हिलाइए तो सब पानी बचना चाहते हैं, भागना नहीं चाहते। हाँ जी, लेकिन जब भरा हुआ हिलाएंगे तुरंत गिर जाता नीचे, सही है। तो इसके माध्यम से हम बढ़िया परिवार की सेवा कर सकते हैं, और हम कामयाब हुए तो आज हमसे हमारे रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, जितने भी सभी संबंधी फ्रेंड जुड़े होते हैं तो सब आपसे जुड़े रहते हैं। तो आप किसी मुकाम पे होते हैं तो आप उन्हें सहयोग कर सकते हैं, करते हैं, जितना भी हो सकता आप करते हैं। मुझे लगता है आपको ईश्वर इसलिए बनाता है, इसीलिए आपको जलाता कि ताकि आप दूसरों को रोशनी दे सकें, इसीलिए बोलता कि आप सुगंधित हो ताकि दूसरों को महक सकें, इसीलिए आपको सफल होना चाहिए ताकि दूसरों को कुछ आप दे सकें, सही है। तो इसलिए बहुत सारे फायदे हैं सर, तो बिजनेस बहुत ही एकदम जादू है। जैसे दूसरे में आठवें नंबर पे पता नहीं कितने कितने नंबर है, कोई चक्रवृद्धि ब्याज आठवां जुबा है जो काउंटिंग करो होता ही नहीं है, तो मुझे लगता है ये बिजनेस भी आठवां जुबा है। हेलो, इसमें नुकसान लिखो तो कुछ है ही नहीं, और फायदा इतना लिखो। हम प्रेजेंटेशन देने जाते तो लोग बोलते झूठ बोलते हैं, बिल्कुल सत्य झूठ, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो सत्य है वो कभी दिखाई नहीं सकते। और बधाई हो आज आपको देखने का मौका मिल गया दोस्तों। ढेर सारे लोग डायमंड बनने का डिसीजन ले चुके हैं, पूरा हाल ही डायमंड बनेगा। दोस्तों जो भी कुछ क्रिएटिविटी आपको दिख रही है, जो भी कुछ विकास दिख रहा है, यह सब कुछ होने के जहां से होता है, जहां से संचालित हो रहा है, बहुत दिनों से आज भी हो रहा है। आज जो महान व्यक्तित्व हमारे बीच में है, चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं, जिनका नेटवर्क के बारे में मेरे पास, मैं कैसे बता सकूँगा कि सर का नेटवर्क कितना है। कंपनी के टॉप लीडर हैं, इतने सारे सर के टीम में डायमंड है कि सर भी को बताना पड़ता मेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा कि मैं डायमंड हूँ। हेलो, आपको तो अपना टीम में आता है कि मेरी टीम 42 की है, 45 की है, 100 की है, 5,000 की है। सर को ऐसे मैसेज करना पड़ा, सर मैं डायमंड हो गया। अच्छा हो गए, अच्छा चलो आपका नाम आपको जान लेता हूँ। तो इतने सारे डायमंड है, और इतने सारे डायमंड में डायमंड शिप में जा पाना ये कोई जरूरी नहीं है, और मुश्किल है आ पाना, मुश्किल आ पाना, लेकिन फिर भी सर फिदा रहते हैं अपनी टीम पे, फिदा रहते हैं, उनका बहुत बड़ा दिल है, बहुत समाज सेवी हैं, बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत टीम वर्कर हैं जो हम सभी हितों के लिए काम कर रहे हैं। और थोड़ा भी अगर मौका मिल जाए, रिक्वेस्ट कर लें तो वो चल देते हैं तुरंत, कुछ भी लेबल ओवल नहीं देखते, बस चल देते हैं। उनकी महानता है, और ऐसे महान
व्यक्ति को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा, क्योंकि आपके ही द्वारा सब संचालित होता है, आपके द्वारा हम सभी लोग डायमंड बने हैं, और उनका दो टुकड़ा अगर हम सभी को मिल जाएगा तो हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। यस एंड नो। तो दोस्तों, ऐसे महान पर्सनालिटी को मैं बुला, मैं नहीं बताना चाहूंगा कि कैसे सर को बुलाना, जितने ग्रेट पर्सन को मैं सर पे बुलाने वाला हूँ, माननीय कंपनी के टॉप लीडर, हम सभी के पथ प्रदर्शक, माननीय श्री राजीव चतुर्वेदी जी।